दिखाते हैं बीजेपी ऑफिस की दिल्ली से तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और उस बैठक और G20 के बीच की ये तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पर फूलों की बरसात, क्योंकि G20 की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है। एक विजयी मुस्कान के साथ ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। अमूमन इस तरीके की तस्वीर आपको बीजेपी ऑफिस में तब दिखाई देगी जब या तो किसी राज्य को जीतकर प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचते हैं या फिर देश को जीतकर, देश के दिल को जीतकर वापस सत्ता में जब वो पहुंचते हैं। लेकिन यहां जो ये बरसात फूलों की हो रही है, शायद इसके जरिए संदेश देने की कोशिश हो रही है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव नहीं बल्कि विश्व का दिल जीता है और विश्व विजेता G20 के जरिए हिंदुस्तान बना है। क्योंकि जिस तरीके के डिक्लेरेशन हुए, जिस तरीके के डिसीजन हुए और उन डिसीजन पर 100% सहमति बनी, यह इससे पहले G20 सम्मेलन में कभी नहीं हुआ। और यह भी कह सकते हैं कि G20 का ये 1997 के बाद से शायद अंतिम सम्मेलन होगा, क्योंकि इसके बाद जो सम्मेलन होगा वो G20 का नहीं G21 का सम्मेलन होगा। और ये माइलस्टोन भी प्रधानमंत्री मोदी ने G20 सम्मेलन के दौरान रच दिया है। अफ्रीकी देशों के समूह को शामिल करके वसुधैव कुटुंबकम की जिस विचारधारा को आगे बढ़ाया, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इस विचारधारा के साथ सबको जोड़ा और जिस अंदाज में हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति, विरासत, बलिदान और शौर्य का प्रमाण वैश्विक स्तर पर G20 के जरिए दिया गया, उसने हिंदुस्तान की एक अमिट छाप को बनाया और इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। और इसीलिए आज बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के तमाम नेता उनको शुक्रिया अदा करने की भूमिका में है। ये तस्वीरें हैं बीजेपी ऑफिस की, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। वैसे जो कार्यक्रम यहाँ है वो कार्यक्रम है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का, लेकिन उस बैठक से पहले एक विजयी गेस्चर और पोस्चर बीजेपी दिखाती हुई, प्रधानमंत्री मोदी दिखाते हुए बीजेपी के तमाम की लीडर्स मौजूद हैं। जेपी नड्डा ने अगवानी की, अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद हैं, शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं। और अब बीजेपी ऑफिस के अंदर मीटिंग के लिए एंट्री लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी, ये दिल्ली से सीधी तस्वीरें। बीजेपी के तमाम की लीडर्स बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। और ये तस्वीर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जहन में रहेगी, क्योंकि जिस अंदाज में इस प्रोग्राम को किया गया है यह अपने आप में विजयी अंदाज है। और ये अंदाज हमने तब देखा है जब जब बीजेपी ने कहीं चुनाव को जीता है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इसी अंदाज में आते हैं, इसी अंदाज में फूलों की बरसात होती है, इसी अंदाज में नेता अगवानी करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और फिर एक संबोधन होता है। बहरहाल आज ये संबोधन होगा या नहीं होगा ये बता पाना मुश्किल, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है किसी चुनाव की जीत के बाद नहीं बल्कि विश्व के दिल को G20 के जरिए जीतने के बाद की तस्वीर है और बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है जिसमें हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के तमाम नेता पहुंच चुके हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं, बाहर कार्यकर्ताओं के अंदर काफी जोश नजर आया। शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस, बाकी नेता मौजूद रहे जिन्होंने
प्रधानमंत्री मोदी को फूल भेंटकर उनका स्वागत किया, सत्कार किया। शायद G20 के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी एक देश ने अगवानी की हो और इतने ज्यादा उस देश के शहरों का भ्रमण किया हो, जिसको इतने भव्य अंदाज में प्रस्तुत किया गया हो। अमूमन G20 की जो स्थापना 1997 में की गई थी वो आर्थिक मंदी के दौर में की गई थी, उस मंदी से कैसे निपटा जाए इसलिए की गई थी, और शुरुआत में तमाम देशों के गवर्नर को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन धीरे धीरे वित्त मंत्री को शामिल किया गया और फिर अंत में राष्ट्र अध्यक्षों को इसमें शामिल किया गया। इन तमाम बदलावों के बीच जलवायु परिवर्तन, आर्थिक मोर्चे पर सुदृढ़ीकरण, ग्रीन ऊर्जा का उत्सर्जन और इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, इन मुद्दों पर समाधान के तौर पर G20 का सम्मेलन हर साल होता है। इस बार अगुवाई प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने की और कठोर फैसले किए गए और सबने एक सुर में कहा कि G20 का जो डिक्लेरेशन भारत की तरफ से दिया गया है उस पर सभी की सहमति है, संपूर्ण सहमति है। हालांकि चीन और रूस की तरफ से उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों ने इसमें शिरकत नहीं की, उन्होंने अपने डेलीगेट्स को भेजा। इससे इतर तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे, ऋषि सुनक पहुंचे, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे।